नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आप सभी को पता है आरबीआई असिस्टेंट 2019 का प्रिलिमिनरी रिजल्ट आ गया है और उसकी मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी बहुत सारे सेंटर्स में 29 मार्च को। सो दोस्तों, हाउ टू फेल ए मेन एग्जामिनेशन, क्योंकि ये जो मेन एग्जामिनेशन है दोस्तों आरबीआई का एक बहुत अलग लेवल का कॉम्पिटिशन होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है वो है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे इसको टैकल कैसे करना है पूरे मेन एग्जामिनेशन को, और इसको सोर्सेस क्या हो सकते हैं अच्छे सोर्सेज जे और कंप्यूटर नॉलेज के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी वीडियो में होगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा। दोस्तों क्या है ना, लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन जो है हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस दिन के एग्जाम पे। लेकिन जितने भी असिस्टेंट लेवल के रिक्रूटमेंट्स आज तक हुए हैं हमारे इंडिया में, जो आईबीपीएस कंडक्ट कराया गया है आईबीपीएस की तरफ से असिस्टेंट का, मतलब क्लास थ्री एम्प्लॉयज़ के लिए, वो ईजी लेवल के आए हैं और कुछ मॉडरेट, लीनिंग टुवर्ड्स मॉडरेट जिसे हम कहेंगे, मतलब ईजी टू मॉडरेट हम इसे कहेंगे। सो वो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे जो सेक्शंस है यहाँ पे सेक्शनल टाइम्स यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आरबीआई में भी सेक्शनल टाइम्स है, और आप इस सेक्शनल टाइम्स को देख सकते हैं कि 30 मिनट्स में आपको 40 सवाल सॉल्व करने। तो यदि बहुत टफ लेवल का एग्जाम आता है तो ये स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मोस्टली जो क्लास थ्री एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्लास थ्री का एग्जाम होता है, इसलिए स्लाइटली और इजी टू मॉडरेट ही आ जाता है। लेकिन किसी एग्जाम का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्लरिकल लेवल का होगा, किस लेवल का होगा, लेकिन वो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। हाँ, हम इतना मान के चलते हैं कि वो इजी टू मॉडरेट लेवल का हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम ये सेक्शनल टाइम है तो आप सभी को पता है, तो लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप सभी अच्छे क्वालिफाई, मतलब आप सभी अच्छे प्रिपेयर्ड हो, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे टॉपिक में बात नहीं करेंगे। ये टॉपिक्स को मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप ये मॉक टेस्ट से अच्छी तरह से हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा जो मेहनत लेनी है क्योंकि वो जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज में लेना, क्योंकि रीजनिंग, इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसे सेक्शन से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत सारे बच्चे अच्छे लेवल के प्रिपरेशन होता है सभी का, तो अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ये एवरेज अटेम्प्ट हो जाता है। मतलब जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे होते हैं उनका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी सभी का सेम होता है, सिर्फ इंग्लिश में भी थोड़े दो तीन मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं। और इंग्लिश के साथ साथ हमें जीए और कंप्यूटर नॉलेज पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये तीनों सेक्शन ज़्यादा डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की, क्या जनरल अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर करें। जनरल अवेयरनेस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लास्ट सिक्स मंथ्स का होता है। यदि हम बात करते हैं अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का पूरा पकड़ के चलो, अप टू ट्वेंटी थर्ड मार्च तक, वन वीक, जो सबसे पहले एक वीक खत्म होता है तब तक, तो ये 6 मंथ का होगा। लेकिन यदि आपको थोड़ा बहुत सेफ्टी के लिए, मतलब थोड़ा और श्योर होना चाहते हो, तो आप सितंबर का भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो आपको ये लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है। अब इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं दोस्तों, आपको सोर्सेज बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह पे सोर्सेज सर्च किए होंगे। मेरा सिर्फ आपको एक ही यहाँ पे गाइड कर एक ही बात बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि आपको एक कौन सा भी सोर्स पकड़ना है, सिर्फ एक सोर्स, ज़्यादा सोर्स से आपको पढ़ना नहीं, एक सोर्स कौन सा भी लो, चाहे वो बैंकर्स अड्डा हो, चाहे वो ग्रेडअप हो, चाहे वो और बहुत सारे कैप्सूल्स हो, चाहे ऑलिवुड का बोल्ट हो, बहुत सारे कैप्सूल्स भी आते हैं, करंट अफेयर्स क्लाउड का हो, तो एक ही सोर्स आप बार बार रीड करो, मतलब एक सोर्स को आप बार बार रीड करना है। यदि आप 4 सोर्सेस को यदि पढ़ते हो, ये भी, तो आपको कन्फ्यूजन भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि यदि इसमें से बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे नहीं, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो, ये अच्छा है। लेकिन ये 4 सोर्सेस आप एट द एंड रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो आपको सबसे पहले एक कौन सा भी सोर्स फिक्स करना है और उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कौन सा भी एक सोर्स, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वो बैंकर्स अड्डा का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स क्लाउड का हो, कौन सा भी सोर्स हो, तो आपको ये तीनों सोर्सेज मेरे लिए ख्याल से बहुत अच्छे सोर्सेस है, जिसमें करंट अफेयर्स क्लाउड भी आता है और बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल भी जो आता है वो भी अच्छे लेवल का है। सिर्फ आपको उसको थोरोली पढ़ना है, आप उसको अच्छे से ध्यान देके आपको पढ़ना है। तो ये होगा जनरल अवेयरनेस का लास्ट 6 मंथ का आपको पढ़ना है। अब बात आती है कंप्यूटर नॉलेज, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है कि कंप्यूटर नॉलेज। तो दोस्तों इसको पढ़ना कहाँ से है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट टाइम जब आरबीआई का एग्जाम हुआ था तो कंप्यूटर नॉलेज ने बहुत सारा डिसाइड किया था, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों ने ये रिव्यू दिया था 2017 में, कि 2017 का जो आरबीआई असिस्टेंट का मेन एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉडरेट लेवल का आ गया था, जो मॉडरेट इन द सेंस अदर सेक्शन से वो टफ लेवल का पूछा गया था। तो ये इसको पढ़ना कहाँ से दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए सोर्सेज बहुत कम है। सबसे पहले एक अरिहन पब्लिकेशन की एक छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, वो आप पढ़ सकते हो।
उसमें से कवर हो कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। यदि उतना भी इनफ हो जाता है, यदि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, तो क्योंकि उसके बाहर के सवाल नहीं जाएंगे, उसमें पीछे सवाल्स भी दिए होंगे, उतना भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अच्छा एडवांस भी पढ़ना है, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो आप एक बुक जो है किरण पब्लिकेशन की मैंने सुनी है, मतलब मैंने पढ़ी भी है वो बुक, आईटी ऑफिसर के लिए जो कुछ भी एग्जाम्स होते हैं तब ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है आईटी ऑफिसर के लिए। तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से आप आपका कवर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जो वेबसाइट है, चाहे मैंने कल ही देखा था का ग्रेडअप का कैप्सूल आ गया है जब कंप्यूटर नॉलेज के लिए, उसके साथ साथ आपको बैंकर्स अड्डा का भी आ जाएगा, बैंकर्स अड्डा का। सो ये जो कैप्सूल्स है इसमें से कौन से भी एक सोर्स फिक्स कर लो, मतलब आप यदि अरिहंत पब्लिकेशन का बुक लेते हो तो इसकी सिर्फ पीडीएफ आपके मोबाइल्स में होगी, तो आप इसको सिर्फ पीडीएफ से पढ़िएगा, और जो हार्ड कॉपी होगी वो अरिहंत पब्लिकेशन से पढ़िएगा। यदि अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आप नहीं ले पाते हो तो ग्रेडअप या बैंकर्स अड्डा किसी भी एक कैप्सूल हुई कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसकी प्रिंटआउट्स निकाल लो, उसको पढ़ो, और अदर सोर्सेज जो होंगे वो पढ़ो, क्योंकि इसमें से आपको ज़्यादा आपको रीड ज़्यादा करना है, क्योंकि जो दो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। पहले कैसा होता था कि जीए अदर एग्जाम्स में थियोरेटिकल था, अब इसमें थियोरेटिकल आपके पास जीए भी है और कंप्यूटर नॉलेज भी है, तो आपको दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है, और आपको थोड़ा मेमोराइज भी ज़्यादा करना है। सो आपको रिविजन्स भी ज़्यादा करनी होगी, आप थोड़ा बहुत बोर भी हो सकते हैं। सो आपको प्लानिंग भी ऐसी करनी है कि आप थोड़ा बहुत बोर ना हो। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप ग्रेडअप का सॉरी आप यदि सुबह जीए पढ़ते हो तो बीच में आप मॉक टेस्ट के लिए समय दो, और एट द एंड आप बैंकर्स सॉरी कंप्यूटर नॉलेज का पढ़ो। अब बात आती है दोस्तों मॉक टेस्ट की। डेफिनेटली मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों लाइफ का, तो इन द सेंस लाइफ का मतलब बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए, कि आपको यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है किसी हालत में, क्योंकि आप वहाँ पे सेट हो जाते हो उस एनवायरनमेंट में, मतलब 30-30 के पैटर्न जो 30-30 मिनट्स का 25 मिनट्स का उस एनवायरनमेंट में आप सेट हो जाते हो, और बहुत सारी जो पढ़ाई आपकी चाहे वो रीजनिंग की हो और मैथ की हो आपकी, वो इसी से हो जाएगी मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट कौन सा लेना है ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट हैं। तो मैं डेफिनेटली आपको एक ही सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से ऑल यू बोर्ड का, लेकिन बहुत सारे अच्छे लेवल्स के भी है, बैंकर्स अड्डा का भी है और प्रैक्टिस मॉक शायद मैंने सुना है कहीं, तो भी वो भी एक अच्छा लेवल का मॉक टेस्ट, ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिव्यू दिया है। तो मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, तो आपको इसको भी आपको मद्देनजर रखना है। सो दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर ली, लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पर भी बात हो गया जो इजी टू मॉडरेट हो सकता है, रीजनिंग मैथ को आपको बताने की जरूरत नहीं आप कर सकते हो, इंग्लिश का भी आपको बताने की जरूरत नहीं, जनरल अवेयरेंस का आपको लास्ट 6 मंथ से पढ़ना है अक्टूबर से 23 मार्च तक, और आप थोड़ा बहुत सिक्योर और होना चाहते हो तो आप सितंबर से भी यहाँ पे रिवाइज करा सकते हो। उसके बाद हमने कंप्यूटर नॉलेज का बता दिया कि अरिहंत पब्लिकेशन की एक छोटी सी बुक है, उसमें से आप पढ़ सकते हो, और आपको थोड़ा भी और एडवांस जाना है और एडवांस स्टडी करना है तो आप ज़्यादा भी एडवांस नहीं थोड़ा ही एडवांस है तो आप अरिहंत सॉरी किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है आईटी ऑफिसर की उसमें से कुछ कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ आप बहुत सारी वेबसाइट की जो कैप्सूल्स आते हैं कंप्यूटर नॉलेज की उसको भी आप डाउनलोड करके पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हो। अब दोस्तों बात आती है मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट के भी मैंने आपको बता दिया मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी चीज़ों का ख्याल रखना है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस एग्जामिनेशन में, और उसी टाइम के अंदर अंदर आपको पेपर खत्म करने की कोशिश करना है। सो दोस्तों ये पूरा गाइड मोस्टली जो मेरा बेस था ये कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का ही था। सो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, एंड बेस्ट लक फॉर द आरबीआई असिस्टेंट मेन एग्जामिनेशन।